हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। देखो, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम हाइड्रोडायनामिक्स देखेंगे क्लास। तो ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। तो हाइड्रोडायनामिक्स, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट था, तो डायनामिक्स क्या है? इन मोशन। तो फ्लूइड इन मोशन, उसे हमें स्टडी करना है। अब मोशन के दो टाइप्स है, फ्लूइड के मोशन के दो टाइप्स है। एक क्या है? स्ट्रीमलाइन मोशन, एंड सेकेंड क्या है? टर्ब्यूलेंट मोशन। क्लियरिटी? तो स्ट्रीमलाइन मुझे पता नहीं, बट टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंट ये वर्ड तो हमारे डेली लाइफ में गया। स्ट्रीमलाइन ये डेली लाइफ में गया, बट हमने वर्ड यूज नहीं किया। देखो ना, हमारे पाइप में से जो पानी बहता है, दैट इज व्हाट स्ट्रीमलाइन मोशन। मतलब क्या? फ्लूइड के सारे पार्टिकल एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे सेम वेलोसिटी से ही जाते हैं ना, इसका अलग उसका अलग ऐसा नहीं होता। सो दैट इज व्हाट स्ट्रीमलाइन। एंड टर्ब्यूलेंट मतलब क्या? देखो यार, अभी कभी कभी देखो क्लास, स्टॉर्म जब आता है तब एयर का जो डायरेक्शन है वो इरेटिकल मैनर में हो जाता है, स्पीड हर मोमेंट पे अलग अलग हो जाता है। सो दैट नेचर इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट। ओके नो? सो हमें इस एस्पेक्ट से ये दो वर्ड्स हमें पता है। इज दैट क्लियर टू यू? अब डिटेल में देखते हैं क्या एक्चुअली होता है स्ट्रीमलाइन मोशन। अब स्ट्रीमलाइन मतलब देखो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला है पाइप का, तो ये डॉटेड लाइन मतलब क्या? जो फ्लूइड है उसका प्रोफाइल निकाला है। क्लियरिटी? अब ना यहाँ पे मैं एक क्रॉस सेक्शनल लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो इस प्रोफाइल की वेलोसिटी, इस प्रोफाइल की वेलोसिटी, इस प्रो सबकी वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल रहा हूँ मतलब वेक्टर, मतलब क्या? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सबका सेम होगा, चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ वी होगा। ओके नो? यहां पे क्रॉस सेक्शन देखा तो देखो इसका डायरेक्शन यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, मतलब क्या? सबका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है, बट वो वी से अलग होगा, शायद से ये वी डैश होगा। अगर हमने यहां पे क्रॉस सेक्शन ले लिया तो यहां पे देखो सबका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है, दैट इज व्हाट वी डबल डैश होगा। तो अलग अलग वैल्यूज है हर एक सेक्शन के लिए, अलग अलग वैल्यूज है, बट हर एक पार्टिकल का एट दैट मोमेंट वेलोसिटी क्या है? फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है? सेम है। सो ये नेचर को हम बेसिकली स्ट्रीमलाइन मोशन बोलते हैं। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो क्लास, यहां पे देखो क्राउडेड है, लाइन्स आर क्राउडेड, और यहां पे लूज है। तो जहां पे क्राउडेड लाइन्स है वहां पे वेलोसिटी बड़ो होगा, एंड जहां पे लूज है वहां पे कम होगा। तो यहां से मैं एक रिजल्ट बोल सकता हूं, वी इज ग्रेटर देन वी डैश इज ग्रेटर देन वी डबल डैश। क्लियरिटी? समझ में आया? तो स्ट्रीमलाइन मोशन हमें पता है, मतलब क्या? हमें ये दो पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। तो उसके प्रॉपर्टीज क्या? देखो, एट गिवन क्रॉस सेक्शन ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड्स हैविंग सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। समझ में आया? बट अब वो वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, तो उसके लिए क्या फंडा है? जहां पे क्राउडेड लाइंस है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और जहां पे लूज है वहां पे मिनिमम। क्लियरिटी के साथ स्ट्रीमलाइन मोशन बेसिक चीज समझ में आ चुका है, यस और नो? अब देखो टर्ब्यूलेंट मोशन को देखते हैं। ये पाइप दिख रहा है क्लास, और ये दो क्रॉस सेक्शंस है। तो ये डॉटेड लाइन जो क्रॉस सेक्शंस है और ये पाइप है। तो पाइप में इनिशियली जो फ्लो है फ्लूइड का वो कैसे है? स्ट्रीमलाइन्ड मोशन है। कैसे? स्ट्रीमलाइन। देखो ना, हर जगह पे वेलोसिटी सेम, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट जैसे ही यहां पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, मे बी ऑब्स्टैकल होगा कुछ भी, तो देखो ये प्रोफाइल कैसे चेंज हो गया। तो
इस क्रॉस सेक्शन पे आप अगर हर एक फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी का स्टडी करेंगे, तो वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो देखो सबके डायरेक्शन तो अलग अलग दिख रहे हैं एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होंगे। मतलब क्या हो गया, ये इरेटिक इन नेचर होने लगा। सो दैट इरेटिक नेचर का जो फ्लो है उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्ब्यूलेंट फ्लो, और उस मोशन को क्या बोलते हैं, टर्ब्यूलेंट मोशन। तो देखो स्टॉर्म आता है तब बेसिकली देखो कंटिन्यूस सेम डायरेक्शन में एयर का फ्लो नहीं होता, ऐसे वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड होगा, डायरेक्शन तो अलग अलग होगा। तो इसीलिए एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड बोल देता हूँ, ये एयरलिफ्ट होता है ना, प्लेन अपने उड़ते हैं ना, तो जब भी स्टॉर्म होता है तभी फ्लाइट्स होते सारे कैंसिल करते हैं। क्यों? बिकॉज एयरलिफ्ट है ना, मैक्सिमम पोर्शन डिपेंड किसके ऊपर होता है, इस स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर, उसके ऊपर बेस ज़्यादा होता है। मोटर है ना वो हार्डली कुछ परसेंट ही काम करता है, मे बी 5-10%, बट 90% काम ये स्ट्रीमलाइन मोशन करता है। वो अगर टर्ब्यूलेंट होगा ना तो एयरलिफ्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा, आर यू गेटिंग मी क्लास। अगर मोटर पे होता तो कोई भी स्टॉर्म होता तो भी एयर को लिफ्ट कर देते ना यार, येस और नो क्लास, तो फ्लाइट को कैंसिल नहीं कर देते। तो ये एक बेसिक चीज़ हमें आगे बहुत डिटेल में पढ़नी है। तो आपको एट दिस मोमेंट स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट मोशन अच्छी तरह से समझा है, एटलीस्ट दिखने तो लगा है। ओके, अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लूइड डायनामिक्स का, दैट इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी देखो फिर से मैं बोलूंगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेरे हर एक व्यूअर को पता है। कैसे सर, हमने तो कभी सुना ही नहीं। देखो मैं बताता हूँ, सुनो, आपने कभी अपना वाटर का पाइप होता है उससे गाड़ी के ऊपर या प्लांट्स को पानी दिया, तो हम पानी देते समय क्या करते हैं समटाइम्स, कि बाबा वो पाइप जो होता है ना, वो पाइप जो होता है उसको उंगली से थोड़ा हाफ पोर्शन कवर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर बढ़ जाता है और अपने को हमें लगता है कि हाँ बाबा बहुत फोर्स से आ रहा है। तो फोर्स से नहीं आता, वो वेलोसिटी बढ़ जाता है। इज़ दैट क्लियर टू यू क्लास? तो हमें लंबे तक पानी देना होगा तो हम ऐसा उंगली का यूज करते हैं। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो उससे वाटर का प्रोफाइल थोड़ा दूर तक चला जाता है। इज़ दैट क्लियर टू यू क्लास? या हमें डर्ट वगैरह निकालना होगा तो वेलोसिटी से पानी डालना रहता है ना, तो इसीलिए हम उंगली लगाते। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो देखो ये एप्लीकेशन मेरे हर एक व्यूअर ने किया होगा, बस उन्हें पता नहीं था कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ही एप्लीकेशन। तो हमें सबको पता इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, येस और नो क्लास। अब उसे थोड़ा सा तरीके से देख लेते हैं। ये देखो एक पाइप है, डिफरेंट एरियाज है इसे, और स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो है मतलब क्या, उस सेक्शन के लिए वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेंस कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे एरिया A3 है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। A1 क्या है बच्चा, सबसे बड़ो A2 है, देन A1 एंड सबसे छोटू है A3। इज दैट क्लियर टू यू? अब वहाँ पे वेलोसिटी कितना है, तो A1 के यहाँ पे वेलोसिटी है V1, यहाँ पे है V2 एंड यहाँ पे है V3। इतना समझ में आ चुका है क्लास? अब देखो क्लास एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ से मैंने 1 लीटर पानी दिया, ये वाटर का फ्लो है, यहाँ से मैंने 1 लीटर पानी मेरा पर सेकेंड अंदर आया, एंटर कितना किया 1 लीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली विथ कॉमन सेंस हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ से भी 1 लीटर पर सेकेंड एग्जिट होना चाहिए, लीव होना चाहिए ना। देखो एंटर हो रहा है 1 लीटर पर सेकेंड, तो लीव भी क्या होगा, 1 लीटर पर सेकेंड ही होगा। जस्ट इमेजिन कि ये 1 लीटर पर सेकेंड एंटर हो रहा है और बाहर निकला सिर्फ 1/2 लीटर, तो 1/2 लीटर गया कहाँ, यहाँ पे चोक्ड अप हो जाएगा ना, येस और नो? तो डेफिनेटली 1 लीटर है तो 1 लीटर ही बाहर निकलना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? अगर समझो 1 लीटर है और 2 लीटर बाहर निकला, तो ये 1 लीटर एक्स्ट्रा आया कहाँ से? सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो क्या फंडा है,
वन लीटर पर सेकेंड से अगर एंटर कर रहा है तो वन लीटर पर सेकेंड से ही एग्जिट करेगा. इज दैट क्लियर टू यू? मतलब क्या मास पर यूनिट टाइम का, एंटरिंग का और लीविंग का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए. मास पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होना चाहिए. तो मैं ऐसे बोल दूं, मास पर यूनिट टाइम एंटरिंग इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम लीविंग. तो ये सेम होना चाहिए. ये फंडा तो हमें समझ में आ रहा है ना बेटा. अब देखो इसको मैं मास को लिक्विड के टर्म्स में, हम मास में केजी में नहीं बोलते ना लिक्विड को, तो लिक्विड को हम कैसे बोलते हैं? डेंसिटी में. तो सो मास को मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये कहाँ का है? सेक्शन ए का, एरिया वन का, ए वन का बताना है. तो मैं रो वन इंटू वी वन बोल दूँ, येस और नो क्लास, अपॉन टी इज इक्वल टू एग्जिट क्या है, ए थ्री है, तो मैं रो थ्री इंटू वी थ्री अपॉन टी बोल दूँ, येस और नो. यूनिट टाइम तो सेम ही होने वाला है ना. तो क्या मिलेगा मुझे अभी देखो क्लास. वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ होगा. तो यहां पे एरिया क्या है v1 का? a1 है, तो इनटू लेंथ l. यहां पे क्या होगा? a3 है, सो इनटू लेंथ l. और ये l by t को हम क्या बोल सकते हैं क्लास? वेलोसिटी. तो यहां का ये L1 होगा, यहां का ये L3 होगा. तो L1 by T is V1. So यहां पे क्या मिल जाएगा? रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो थ्री ए थ्री वी थ्री. सो दिस इज वॉट अवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. बट हमें एक समझ में आ रहा है क्या? यहां से पानी गया तो पानी ही बाहर आ रहा है ना. एंड तो एक ही लिक्विड अगर एंटर हो रहा है एंड बाहर निकल रहा है तो डेफिनेटली उसका रो क्या होगा? सेम होगा. सो यहां से मैं रो सेम बोल दूं तो वो कैंसल हो जाएगा. सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? a1 v1 इज इक्वल टू a3 v3. मतलब क्या? एरिया इंटू वेलोसिटी is always remains constant. तो ये अगर multiplication constant आ रहा है तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ a is directly proportional to 1/v. मतलब क्या? जहाँ area बड़ो होगा वहाँ velocity कम होगा, या जहाँ velocity कम होगा वहाँ पे area बड़ो होगा. तो ये अगर nature हमें समझा है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम कहां कौन से सेक्शन में वेलोसिटी सबसे बड़ो होगा? यहां पे a3 सबसे छोटू है, तो मैं कह सकता हूं v3 सबसे मोटू होगा. मॉडरेट किसका एरिया है? a1 का. सो v1 मॉडरेट होगा, इन बिटवीन होगा. एंड a2 सबसे बड़ो एरिया था, तो वहां पे वेलोसिटी सबसे कम होगा. सो ये नेचर हमें वेलोसिटी का समझ में आ चुका है. देखो यार, एरिया a2 सबसे बड़ो, उसका वेलोसिटी सबसे छोटू. a3 सबसे छोटू, उसका वेलोसिटी v3 सबसे बड़ो. इज दैट क्लियर टू यू? तो ये अगर हमें समझा है तो देखो ना, इस इक्वेशन को a1 v1 इज इक्वल टू a3 v3, इसे हम कौन सा एग्जांपल लिया था? पाइप से पानी डालते हैं ना. तो देखो, एंटरिंग का वेलोसिटी एंड एरिया कांस्टेंट है a1 v1, बट हम जो एग्जिट है वहां पे एरिया को अगर कम कर देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? वेलोसिटी बढ़ेगा ना. इसीलिए पानी का वेलोसिटी हमें बढ़ के मिलता है. अगर हमने उंगली रखा तो, उंगली हटाया तो वेलोसिटी कम हो जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? After equation of continuity, अब हमें next term देखनी है, that is what? Viscous force. देखो class, concept पहले देखते हैं. I know कि fluids के बारे में बात करना है, but मैं पहले थोड़ा एक मिनट solids के बारे में बात करता हूँ, friction in solids. देखो ये समझ में आ गया ना, तो ये समझना सिंपल हो जाएगा. तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमें 11th स्टैंडर्ड में हो चुकी है. अगर याद आ रहा है अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो देख लो एक बार, कॉन्सेंट्रेट कर लो प्लीज.
देखो क्लास, ये मास है एंड दिस इज व्हाट प्लेटफॉर्म और वी कैन से बेस। एट मास वेलोसिटी बी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो एफबीडी अगर मैं निकालूंगा मास एम का तो क्या मिलेगा? देखो क्लास, एमजी फोर्स नीचे, इंटेंशन ऑफ मोशन ऐसा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होगा। एंड फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पक्का पता है। एंड अगर मैं इस बेस का अगर एफबीडी निकालू तो बेस में क्या मिलने वाला है? अरे बेस में क्या मिलेगा बाबा? नॉर्मल मतलब एमजी फोर्स है वो यहां पे एक्ट करेगा ना, दैट इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन का कपल। एंड फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे ऐसा एक्ट कर रहा था तो बेस पे कैसे होगा? पेयर होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में पेयर होगा, तो इसको कंबाइन कर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये सो और नो क्लास, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझता है तो बहुत सिंपल है। देखो यार क्लास, प्लेटफॉर्म का ये एफ आर कैसे आएगा? बिकॉज मैं अगर इस मास के ऊपर बैठूंगा तो एक्चुअली मास का इंटेंशन ऐसा है, तो उस वाले बंदे को कैसे लगेगा प्लेटफॉर्म कैसे जा रहा है? इस साइड ही जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? अपोजिट टू इंटेंशन, मतलब यहां पे होगा ना। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो ये हो गया कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का इन सॉलिड्स में, वैसे ही लिक्विड में क्या होता है? देखो अब ये लिक्विड है, लेयर वाइज जा रहा है, यस और नो? लिक्विड फ्लो होता है मतलब लेयर वाइज फ्लो होता है ना, यस और नो? तो लेयर टू लेयर में भी बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एंड फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसे हम बेसिकली विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्लियरिटी पहले थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। देखो क्लास, ये टोटल फ्लो है, उसका ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। तो ये फिफ्थ लेयर है वो कहां पे? ग्राउंड को टच हो रहा है, यस और नो? दैट इज व्हाट? बॉटम में सॉलिड सरफेस है, एंड सॉलिड सरफेस कंपेयर टू लिक्विड सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स देगा, यस और नो क्लास? तो देखो क्लास, यहां पे जो बॉटम है वहां पे वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगा, इनफैक्ट जीरो होगा। ओशन में देखो ना क्लास, आपने जिंदगी मिलेगी ना दोबारा मूवी देखा है या कोई भी डाइवर्स वगैरह के जो भी मूवीज होते हैं, तो देखो ऊपर समुंदर अलग, एंड डेप्थ में जाएंगे तो शांत है, अरे एकदम शांत है बाबा, ऐसे कुछ वेव्स व्यूज नहीं होता, देयर इज नो वेलोसिटी एट बॉटम। तो यहां पे वेलोसिटी एकदम कम होगा, यस और नो क्लास? ऊपर सबसे ज्यादा, तो हमने क्या अज्यूम किया है? ऊपर वी प्लस डीवी इतना वेलोसिटी होगा, तो सेकेंड लेयर में क्या होगा? डीवी से कम हो रहा है, सो वी से, उसके बाद वाले लेयर में वी माइनस डीवी से, सिमिलर फैशन में यहां पे ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये प्रोफाइल है वेलोसिटी का, वो प्यार से देखो कम कम होते जा रहा है, इनिशियली सबसे बड़ो, बाद में कम, उससे कम, लास्ट में एकदम कम, अरे यस और नो क्लास? तो अब हमें विस्कस फोर्स को समझना है, मतलब क्या? इन दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसे हमें समझना है ना, यस और नो क्लास? तो फ्रिक्शनल फोर्स को, विस्कस फोर्स को समझने के लिए हमें इंडिविजुअल लेयर का एफबीडी पहले निकालना होगा। तो देखो फर्स्ट लेयर का एफबीडी निकालते हैं, तो फर्स्ट लेयर का इंटेंशन कहां? बी प्लस डीवी से राइट साइड जाने का है, तो डेफिनेटली वो कॉन्टेक्ट में किसके साथ है? सेकेंड लेयर के साथ। तो सेकेंड लेयर एंड फर्स्ट लेयर के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, एंड वो कैसे होगा? अपोजिट टू इंटेंशन। तो ये यहां पे जाने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली इंटेंशन कहां पे? यहां पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो फर्स्ट एफबीडी समझ में आ चुका है। अब सेकेंड देखो, सेकेंड लेयर का क्या हो रहा है? देखो दो जन के साथ कॉन्टेक्ट है, एक फर्स्ट लेयर के साथ एंड थर्ड लेयर के साथ। तो फर्स्ट लेयर के साथ क्या होगा? अगर एफ वी ऐसा था तो सेकेंड लेयर में वो एफ वी एग्जैक्टली उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, यस और नो क्लास? अब देखो थोड़ा सा, देखो देखो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस ये बहुत फास्ट जा रहा है और ये थोड़ा स्लो जा रहा है। तो यहां पे अगर मैं खड़ा रहूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर कैसे जा रहा है?
देखो देखो, ये बहुत फास्ट जा रहा है और ये थोड़ा स्लो आ रहा है, तो ये फास्ट जा रहा है उसको लगेगा क्या ये पीछे पीछे जा रहा है, यस और नो क्लास? तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड का इंटेंशन का लेफ्ट में, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे लगेंगे, अपोजिट टू इंटेंशन, इसलिए राइट में लगा। तो ये कपल दिख रहा है वो कैंसिल हो जाएगा अगर कंबाइन कर देंगे तब। बट अकॉर्डिंग टू थर्ड क्या होगा, देखो ना ये सेकेंड लेयर है वी वेलोसिटी से जा रहा है और ये थर्ड लेयर है जो वी माइनस डेल्टा वी से या डीवी से, वी माइनस डीवी से जा रहा है, मतलब उससे कम ना, तो ये फास्ट जा रहा है ये स्लो जा रहा है। तो क्या होगा क्लास, यहां पे अकॉर्डिंग टू थर्ड ये राइट में जा रहा है, तो डेफिनेटली अपोजिट टू इंटेंशन मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट में एफ वी डैश, यहां पे एफ वी था यहां पे एफ वी डैश लगा। तो सिमिलर फैशन में थर्ड का अगर एफ बी डी निकालेंगे तो एफ वी डैश का कपल यहां पे राइट में मिल जाएगा एंड फोर्थ के साथ यहां पे एफ वी डबल डैश मिल जाएगा। ऐसे करते करते बॉटम में क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन और वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझ में आ चुका है? अभी ये सब करने से मुझे बताना क्या है वो देखो यार, क्लास सॉलिड्स में एरिया के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड था क्या एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे? नहीं। देखो एग्जाम्पल बताता हूं मैं, अगर ये सरफेस है एंड ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा, तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मैंने ऐसा रखा तो भी उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बिकॉज म्यू इंटू एन के ऊपर एन इज एम जी एंड मास, ऐसे रखो या ऐसे रखो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा। तो सॉलिड्स में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स मास के ऊपर डिपेंडेंट था, तो वो कॉन्टेक्ट वाला एरिया के इंडिपेंडेंट था। बट यहां पे जो विस्कस फोर्स है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, न्यूटन ने, तो उसका नाम दूसरा भी है न्यूटन्स फॉर्मूला। एंड न्यूटन्स क्या बोल रहा है बेटा, कि यहां पे जो विस्कस फोर्स दैट इज व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज व्हाट फर्स्ट कंक्लूजन, क्या क्या क्या, जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब क्या, कॉन्टैक्ट जितना ज्यादा उतना विस्कस फोर्स ज्यादा, कॉन्टैक्ट जितना कम उतना विस्कस फोर्स कम। सो सॉलिड्स में इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था, बट फ्लूइड्स में डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड क्या बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्लास ये प्रोफाइल में देखो, यहां पे v प्लस डेल्टा v मिल रहा है वेलोसिटी एंड ये डिस्टेंस है dx, कितना छोटू सा डिस्टेंस dx, तो उस dx डिस्टेंस के बाद यहां पे वेलोसिटी क्या मिल गया v, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, यहां पे v प्लस डेल्टा v था और यहां पे v है, मतलब डेल्टा v इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी ओवर डेल्टा x टाइम पे। तो यहां पे देखो सेकेंड क्या बोल रहा है, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या क्या क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है ना, उसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्लास। देखो यहां पे आपने अगर हीट वाला चैप्टर देखा होगा वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट था, मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर ओवर लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो यहां पे ग्रेडियंट कभी भी वर्ड आता है तो विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ होता है या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। तो यहां पे देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस चेंज इन वेलोसिटी पर डीएक्स, सो डीवी बाय डीएक्स इज नथिंग बट वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, एफ वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डीवी बाय डीएक्स। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? अब इनको कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाय डी एक्स। क्लियरिटी? अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या मिल जाएगा, एफ वी इज इक्वल टू ईटा, ईटा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो म्यू था उसके अपोजिट म्यू कैसे लिखते थे, ऐसे
तो इसके अपोजिट क्या होगा, ईटा। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो सॉलिड्स में म्यू था, उसे बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इज दैट क्लियर टू यू? सो ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। सो दिस इज व्हाट आवर बेसिक फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा ईटा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो क्लास, ईटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ वी अपॉन ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा क्लास, फोर्स मतलब न्यूटन में, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर में, डीवी बाय डीएक्स, ये डीवी क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और बाय डीएक्स मतलब ऊपर जाएगा, तो मीटर 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 गेट कैंसल, और ये सेकेंड ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया एमकेएस और एसआई में। सीजीएस में क्या हो जाएगा क्लास, सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, डायन, सेकेंड तो वैसे ही, अपॉन मीटर को सेंटीमीटर का स्क्वायर। बट इस सीजीएस सिस्टम में इसे पॉइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइज। अब देखो वन न्यूटन कितना डायन होता है, देखो यार ये तो बड़ा जोक हो गया, डायन मतलब पता है ना आपको, डायन, तो एक न्यूटन इज 10^5 डायन होता है, इतना बड़ा वो डायन है। इज दैट क्लियर टू यू, ए जोक जैसा है प्लीज। सो ये 10^5 न्यूटन को अगर डायन में कन्वर्ट करना है, तो 10^5 डायन सेकेंड अपॉन, अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, मतलब 10^2, उसका स्क्वायर मतलब 10^4 हो जाएगा। सो क्या मिल गया क्लास, 10^4 गेट कैंसिल, तो बचेगा 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिला, 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर इज 10 पॉइज। देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, हमें पता ही होना चाहिए, क्लियरिटी के साथ समझाए। अब इसका डायमेंशन एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। देखो यार डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा, ईटा का डायमेंशन एनालिसिस करना है तो हमें क्या चाहिए, फोर्स। फोर्स को कैसे लिखते हैं क्लास, मास इनटू एसिलरेशन, तो मास का एम वन हो जाएगा, और एसिलरेशन मतलब लेंथ पर टाइम का स्क्वायर, पर है तो अपॉन में, तो t^-2, ये फोर्स का हो गया। देन एरिया मतलब एल टू हो जाएगा, एंड डीवी बाय डीएक्स मतलब क्या, देखो ये बाय डीएक्स ऊपर गया तो ये एल वन हो जाएगा यहां पे। इज दैट क्लियर टू यू? और डीवी बाय डीएक्स मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, लेंथ पर यूनिट टाइम, मतलब t^-1। सो यहां से देखो ये L1 और ये L2 के साथ कैंसल हो जाएगा, और ये ऊपर का डिनोमिनेटर का ऊपर चला जाएगा, तो L^-1 मिल गया। M यहां कहां पे है ही नहीं, तो वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। और T को देखो, -1 और एक -1 कैंसल हो जाएगा, और बचेगा -1। सो दिस इज व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ ईटा। ईटा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो आराम से समझा, इस फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है, हमने बोला ये न्यूटन ने बताया, तो इसे न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोल देते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास, होपफुली मेरे सारे बच्चों को आज का फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट अच्छी तरह से समझा। इसमें और भी टॉपिक बाकी है, बट आज हमने क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें क्या, स्ट्रीमलाइन मोशन, टर्बुलेंट मोशन, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और लास्ट में हमने देखा विस्कस फोर्स। देखो विस्कस फोर्स का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ईटा, दैट इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
उसके यूनिट एंड डायमेंशन हमें पता ही होने चाहिए, एंड वो कन्वर्जन है पॉइंट्स का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।